हेलो एवरी वन होम्स आप सब कैरे से होंगे आज का दिन जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक है क्योंकि आज मेरा मिड एग्जाम है उसके अलावा एक ब्राइड को तैयार करना है सो लेट सी क्या बनता है अभी जो है नमाज का टाइम है मैं नमाज़ पढ़ूँगी उसके बाद जो है सो सोचूंगी क्योंकि दोबारा मुझे ब्राइड को तैयार करना है और उसके बाद यूनिवर्सिटी भी जाना है so, सो इसके लिए मुझे दोबारा उठना है so, सो लेट्स सी आज का दिन कैसा गुजरता है तो रुको जरा करो और जो दोबारा से मैं उठ चुकी हूँ वो नौ बजे का टाइम मैंने ब्राइड को दिया था इसलिए मुझे खुद जो है पौने नौ उठना पड़ा बट हुआ ये था कि मैंने नौ बजे का टाइम दिया था और वो आई जो थी तकरीबन साढ़े नौ के करीब थी और उतना टाइम जो मुझे वेट करना पड़ा अभी मुझे तैयार हो जाना चाहिए बिकॉज मेरी ब्राइड लेट है और दूसरा ये कि तैयार होने के बाद रिलैक्स में से तैयार कर दूँगी एंड देन जो है मैं यूनिवर्सिटी चल जाऊँगी अब फाइनली मेरे ब्राइड आ चुकी है अब हम इसको तैयार करेंगे और उसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी चलेंगे सबसे पहले जो मैं इसका आइस मेकअप कर रही थी क्योंकि मुझे था कि आइस मेकअप मैं पहले कर दूँगी और तय जो है बाकी चीज़ें जल्दी से हो जाएंगी क्योंकि सबसे प्रोमिनंट जो चीज़ होती है वो आइस मेकअप होता है और सबसे ज़्यादा टाइम भी आइस पर ही लगता है शी इज़ नॉट जस्ट अ ब्राइड एक्चुअली ये मेरी स्कूल फ्रेंड भी है जिसकी वजह से जो है मुझे सुबह सुबह उठना पड़ा और कुर्बानी देनी पड़ी और जो है मिट के साथ साथ जो है इसको तैयार भी करना पड़ा और जो है आइस मेकअप के बाद जो है मैं अंदर आ गई इसका जो है निका नामा मैंने तैयार किया था कि मैं इसको एज़ अ गिफ्ट दूँगी तो मैंने सोचा कि उसके पहले हम लोग पैक कर लेते हैं निकास् सर्टिफिकेट को फाइनली हम लोगों ने जो है फ्रेम के अंदर फिक्स कर दिया अब हम लोग इसको पैक कर देंगे प्रॉपर मैं पैकेजिंग नहीं कर सकी लाइक uh, किसी गिफ्ट पेपर वगैरह में क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट था और उसके अलावा मेरे मिड एग्जाम चल रहे थे इसी चल रहे हैं और टाइम बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं इसको पैक कर सकूं इवन कि अभी भी मैंने सोचा था इसको रात को पैक करूंगी लेकिन रात को भी टाइम नहीं मिला और इसलिए मुझे सुबह सुबह इसको इस तरह से पैक करना पड़ा जब मैंने उसको गिफ्ट किया काफ़ी ज़्यादा खुश हुई लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अंदर जो है निकाला मैं सो जितनी देर में हम लोगों ने गिफ्ट को रैप किया उतनी देर में जो है मेरी मामा ने इसकी बेस बना दी थी और बाकी जो आइज़ का मेकअप रह गया था वो के मैंने कंप्लीट कर दी इसका मस्कारा और जो है ब्लशन वगैरह आगे कंप्लीट किया मेकअप के बाद जो है जल्दी से हेयर स्टाइल को कंप्लीट किया क्योंकि मैं चाह रही थी मैं जाने से पहले इसकी प्रॉपर लुक जो आप लोग को दिखा सकूँ और जी फाइनल लुक हमारी ये है आप लोगों ने मुझे कमेंट में लास्ट में बताना आपको मेकअप किस तरह का लगा मैं सिर्फ एक ही क्लिप ले सकी ब्राइट का क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था इवन कि आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ पे अभी भी मेकअप लगा हुआ है हाथ जो है धोने का भी टाइम नहीं था मेरे पास और अंकल जो है बाइक खड़े हो गए हॉर्न पे हॉर्न कर रहे थे जिसकी वजह से मुझे जल्दी से बाहर आना पड़ा और मैं आज तक तो यूनिवर्सिटी कभी भी लेट नहीं गई लाइक हम लोग जब भी जाते हैं क्लास स्टार्ट होने में तकरीबन तो फाइव टू तो टेन मिनट्स होते हैं और आज स्पेशली सर ने बोला था कोई भी लेट नहीं होगा क्योंकि आज तो हमारा मिड का एग्जाम था तो रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ ट्वेल्व थर्टी पर मेरा एग्ज़ाम था और जो है अभी हम लोग यहाँ पर लड़के को पिक कर रहे हैं कुछ ट्रैफिक की वजह से जो है हम लोग लेट हो गए थे तो उसके अलावा जो है लड़के को पिक करना होता है और रस्ते में हम लोग को जो है ट्वेल्व थर्टी हो चुके थे सो अब देखते हैं वहाँ यूनिवर्सिटी जाकर क्या बनता है मेरे मिड का एग्ज़ाम है और उस टाइम सिचुएशन कुछ इस टाइप की हुई है सात आठ मिनट्स तकरीबन तो मैं लेट थी Uh, सर ने कुछ नहीं कहा था बिकॉज हम लोग जो है बहुत ज़्यादा ऑबेडिएंट स्टूडेंट्स हैं इस वजह से हमें थोड़ा सा मार्जन मिल गया था और हमारा मिड जो है वो भी असाइन हो चुका था और अब जो है हम लोग मिड का काम करेंगे सो so, आज जो है मैं तो लेट थी ही थी बट मेरी दोस्त भी लेट थी लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न था थोड़ी

एक्चुअली हम लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम था इसकी वजह से हम लोग को इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी इसलिए हम लोग मज़े कर रहे थे ड्यूरिंग अटेंडेंस जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये थी हम लोग के लिए कि हम लोगों ने फुल फुल जो है फ़ी पे कर दी हुई है फिर भी हमारे जो है अटेंडेंस शीट पर लिखा हुआ था नॉट एलिजिबल फ़ी पे करने के बाद भी ये हालात हैं यहाँ के किसी भी रेपर को पकड़ के इसको रीडिज़ाइन करना था दैन उसको जो है प्रिंट आउट करवाना था ये हम लोग का एक्चुअली मिड एग्ज़ाम था मैंने बेसिकली जो एक केक की पैकेजिंग पकड़ी थी एंड देन उसको रीडिज़ाइन किया था उसके अलावा और भी जो मेरे पास ऑप्शन थे वो ऑलरेडी बच्चे ले चुके थे जिसकी वजह से जो है मैं वो चूज़ नहीं कर सकी फाइनल जो बच गया था वो यही पैकेजिंग थी दैन मैंने इसी को रीडिज़ाइन कर दिया साढ़े बारह से पाँच तक हम लोग की क्लास होती है और उसके अंदर हम लोगों ने इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करना होता है और जो है अलहमद से मेरा टाइमली हो गया था और जैसे मेरा हो गया मैंने उसको सबमिट करवा दिया था जितना मेरे पे प्रेशर था इस डे का मुझे था कि शायद मेरे काम जो है प्रॉपरली ना हो सकें बट अलहमदल्ला से मेरा हर काम बहुत ज़्यादा स्मूथी और बहुत ही अच्छे से और बहुत टाइमली हो गया था तो हर चीज़ जो है परफेक्टली होगी और इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न थी वो रीज़न ये थी कि सुबह उठ जब आप लोग नमाज अदा करते हैं तो ऑबियसली आपके सारे काम ऑटोमेटिकली जो है परफेक्टली होना शुरू हो जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग तहज तो अदा तो करें दैन फजर पढ़ें और फिर जो है बाकी नमाज नमाजें टाइम टाइमली अदा कर दें और आपके दिन के जितने भी काम होते हैं और वहमदिल्ला तो से सारे के सारे ठीक हो जाएंगे इनशाला और इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैंने एक गिव अवे अनाउंस किया आप लोग जिसमें पार्टिसिपेट करें और जो है विनर लिस्ट में भी एंटर हो जाएं और इसके अलावा मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक रेला फेस टेक केयर